हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। और आज का जो मैच, यहाँ पर हम लोग ये वीडियो करने वाले हैं, स्पेशल वीडियो जो कि गेम प्ले वीडियो होने वाला है जो। और इसमें आयरन मैन मैच हम लोग करेंगे। देखते हैं यहाँ पर सुपरस्टार लोग कितने देर तक, जितना लंबा मैच जाता है तो कितना लंबा थकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रियलिस्टिक किया गया है गेम को। और डेफिनेशन में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो बॉडी के स्किन है, मसल्स है, वो भी अब यहाँ पर हिलता है। नोटिस नहीं किया होगा आप लोगों ने, बड़े स्क्रीन पर आप लोगों को नोटिस हो सकता है यहाँ पर, लेकिन मोबाइल पे, सेल फोन पे आप लोग को यहाँ पर जो लुक है, जो बॉडी का, जो बॉडी मसल्स जो हिलता है, जो रियलिस्टिक टाइप किया गया है WWE 2K23 में, वो चीज़ आप लोग को पता नहीं चलेगा। लेकिन फ़िलहाल चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं कि बहुत हार्ड हो चुका है गेम प्ले अभी 2K22 से, मतलब जितने पहले जितने भी गेम था, इस 2K23 में बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है और किक ऑफ करना बहुत ही मुश्किल है। तो गेम प्ले करेंगे यहाँ पर और फुल वॉक वे करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट आयरन मैन मैच करते हैं यहाँ पर हम लोग, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का 30 मिनट्स आयरन मैन मैच, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड स्टे ट्यून्ड रहो चैनल पर, और चैनल पर नए हो जो लोग, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और चलते हैं फिर वीडियो पर आगे। यहाँ पर चलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन मैन मैच के लिए, ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस। यहाँ पर आयरन मैन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हम लोग कोई भी मतलब एरिना करते हैं, यहाँ पर रॉक एरिना चूज़ करता हूँ मैं। एलिमिनेशन चेम्बर पेपर व्यू का भी हम लोग का शो आने वाला है, उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा और कंटेंट बहुत आने वाला है अभी कस्टम मैच में। सो यहाँ पर काउबॉय ब्रॉक लेसनर, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज अभी तक इस ब्रॉक लेसनर ने कुछ अचीव नहीं किया है। ये ब्रॉक लेसनर जो थे भाई, रूकी ब्रॉक लेसनर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, और ये ब्रॉक लेसनर जो कि WWE को डोमिनेट किया भाई, जो कि इस ब्रॉक लेसनर के सामने कोई टिक नहीं पाया कभी भी। तो इस ब्रॉक लेसनर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर रोमन रेंस के साथ मैच करते हैं। यहाँ पर एडिट पे बैक एक ही है, यहाँ पर सेकेंड पे बैक, यहाँ पर हम लोग लो ब्लो देते हैं भाई, रोमन रेंस बहुत लो ब्लो मारते हैं, लो ब्लो ही यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया भाई। दो पे बैक दिया इस बार WWE 2K वालों ने, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थिंग्स यहाँ पर चेंज अप हुआ, लेकिन प्रोमो सेक्शन यूनिवर्स मोड में नहीं डाला, जो कि बहुत ही माइनस पॉइंट रहा। अभी भी मैं माइनस पॉइंट में ही यूज़ करूँगा WWE 2K23 को, क्योंकि प्रोमो सेक्शन जो है वो मिस कर दिया है फिर से इन लोगों ने, और ये मेरा गेम प्ले रहेगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, बस। यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया मैच, एंड आयरन मैन मैच गेम प्ले, ब्रॉक लेसनर 14 वर्सेस रोमन रेंस आयरन मैन मैच। और यहाँ पर मैं ब्रॉक लेसनर को लेके गेम प्ले करने वाला हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो यहाँ पर, और इस बार भी हार्ड होने वाला है, तो काफ़ी चीज़ जो है यहाँ पर मैस्टअप है, जो कि मुझे नहीं मालूम है, बट खेलते खेलते अभी प्रैक्टिस किया जाएगा। यहाँ पर भाई आ गए ब्रॉक लेसनर 2014 वाले, जो कि द बीस्ट ब्रॉक लेसनर है, और यूनिवर्स मोड में हम लोग इसी ब्रॉक लेसनर को आगे हम लोग बुक करने वाले हैं, नॉट ए काउबॉय वन। एंड आई होप कि इस साल ब्रॉक लेसनर अपना जो लुक है इस बार चेंज करेगा, रियल में कह रहा हूँ, क्योंकि काउबॉय ब्रॉक लेसनर ने कुछ अचीव नहीं किया है और ना ही कुछ अच्छा बुकिंग हुआ है, बहुत ही वर्स्ट और बहुत ही वर्स्ट करियर पॉइंट चल रहा है यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का, काउबॉय गिमिक में।
जो कि मुझे शुरू से बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हाँ, समर स्लैम 2020 में ब्रॉक लेसनर रिटर्न हुए थे, तो वहाँ पर मैंने सोचा था कि ब्रॉक लेसनर जो है यहाँ पर कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एकदम बहुत ही मैसिव थे। लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट स्मैकडाउन के शो पर अपीयर हुए ब्रॉक लेसनर, वहाँ पता चला कि ये ब्रॉक लेसनर कुछ नहीं कर पाएंगे इस गिमिक में। तो ब्रॉक लेसनर का जो कैरेक्टर है वो सूट करता है सिर्फ बीस्ट मोड में, एंड रियली ही इज़ अ डोमिनेटिंग सुपरस्टार इन होल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। भाई उनको सही से बुक करना है, और एज भी हो गया है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अभी भी ब्रॉक लेसनर कैन बीट रोमन रेंस लाइक दिस न्यू सुपरस्टार। यहाँ पर आप लोग डिटेल्स अगर नोटिस कर पाए तो चेस्ट देखना, रोमन रेंस का चेस्ट जो है यहाँ पर वॉकिंग टाइम में चेस्ट अप डाउन हो रहा है, मसल्स जो है वो अप डाउन हो रहा है बाइसेप्स का, और कुछ मे भी अगले दो साल तीन साल में WWE का जो गेम्स है वो एकदम रियली हो जाए, मतलब सेम ही हो जाए, मतलब ओरिजिनल और गेम में कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया आई थिंक। और यहाँ पर ड्यूअल टाइटल के साथ रोमन रेंस जो कि है यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, मसल्स देखो आप लोग यहाँ पर जो है मसल्स यहाँ पर पूरा मूव ऑन हो रहा है यहाँ पर। I actually agree with you, Saxton, a man who has had an dual title यहाँ पर बहुत दिन हो गया, और I think कि इस बार WrestleMania जो 39 होने वाला है हॉलीवुड में, I think रॉक तो वहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर रोमन रेंस को टाइटल ड्रॉप करने पर मतलब मजबूर हो जाना पड़े। I think कि कोई चीज़ होने वाला है रोमन रेंस के साथ जहाँ वो टाइटल 100% ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे इंस्टेंटली ऐसे डायरेक्टली तो कोई मतलब डायरेक्टली जो है यहाँ पर कोई मतलब रोमन रेंस को यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है कोडी रोड्स आई डोंट थिंक कि डायरेक्टली यहाँ पर हरा पाएंगे रोमन रेंस को। फिलहाल यहाँ तो रोमन रेंस को भी मैं पीट रहा हूँ भाई, 30 मिनट का आयरन मैच यहाँ में मैंने रखा है, और खुद ही गेम प्ले कर रहा हूँ। 3-3 फिनिशर यहाँ पर दे दिया है भाई मैंने, और ब्रॉक लेसनर को मैंने लिया है 14, ब्रॉक लेसनर 14 वाले को, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ जो कि यहाँ पर होने वाला है। पहला F5 लगाते हैं भाई यहाँ पर, ओ अभी भी पहला गेम प्ले ही है ये मेरा, मतलब हो चुका है कुछ ऐसे वीडियो बनाने पर, लेकिन अभी वीडियो नहीं बनाया मैंने, गेम प्ले का फर्स्ट वीडियो है ये। और फर्स्ट यहाँ पर रॉयल सॉरी आई थिंक स्पीयर देने जा रहे थे यहाँ पर रोमन रेंस, कुछ लेकर आने वाले स्टील चेयर, चलो भाई मेरा लिए आसानी कर दिया यहाँ पर, और चेयर पर ही मार खा गए भाई रोमन रेंस। इस चीज़ का फ़ायदा मैं ही उठाऊँगा। ओ जंपिंग क्लोज लाइन फ्रॉम रोमन रेंस, स्पीयर लगाएंगे आए तुम, यस स्पीयर के लिए रेडी। ओ नहीं, इस बार भी स्पीयर नहीं लग पाया भाई यहाँ पर, और 2K23 में यहाँ पर फिर से वो चीज़ वापस आ गया है, टायर्ड सुपरस्टार यहाँ पर धीरे धीरे वॉक अराउंड करेंगे और स्लो होते जाएंगे यहाँ पर सुपरस्टार्स। तो नीचे गया रोमन रेंस अगेंस्ट स्टील चेयर पर ही ब्रॉक लेसनर ने फेंक दिया, पर सुपरस्टार जो है था स्लो हो चुका है। अरे भाई बच गया रोमन रेंस, साकिर लगा दिया भाई यहाँ पर, अगेन लग गया ब्रॉक लेसनर को, ये बीस्ट ब्रॉक लेसनर है, रोमन रेंस भूल गया आई थिंक यहाँ पर, काउबॉय ब्रॉक लेसनर नहीं है, He is total destruction. Oh.
अरे भाई रिवर्स किया लेकिन दिया भाई। कहीं पर भी मार सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन मैंने ऑफ कर दिया और मुझे पिन फॉल करने का कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पर रोमन रेंज को पूरा धो देना है, यहाँ पर कितना थकते हैं लोग। और ये भाई स्पीयर लगाया था यहाँ पर, मिस हो गया भाई। भाई यहाँ देखो ब्रॉक लेसनर थक गया है, ब्रॉक लेसनर थक चुके हैं यहाँ पर और रोमन रेंज भी स्लो अप हो चुके हैं। देखो ब्रॉक लेसनर कैसे चल रहे हैं यहाँ पर। मॉक करते हैं यहाँ पर, रोमन चेयर शॉट। अरे भाई दिया था लेकिन और स्पीयर फिर से रिवर्स कर दिया भाई यहाँ पर। लगाते हैं यहाँ पर। अरे ये रहा, यही चीज होता है इस गेम में जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सुपरस्टार थकने के बाद कैरी नहीं कर पाते यहाँ पर। कैरी नहीं कर पाते हैं यहाँ पर अपने ओपोनेंट को या फिर अपने कोई भी सुपरस्टार, मतलब यहाँ पर गेम प्ले कर रहा हो चाहे कुछ भी, कैरी नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टाइम के लिए। चलो पहला एफआई लगाया यहाँ पर, पिनफॉल के लिए आते हैं। पहला पिनफॉल 1 2, चलो पहला पिनफॉल तो मिल गया क्योंकि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को बहुत पिटवाया है मैंने, ये रोमन रेंज को खूब पिटवाया है। तो भाई रिवर्स कर दिया यहाँ पर रोमन रेंज। ये एक नया मूव है जो कि किडनी में मारते हैं भाई ब्रॉक लेसनर को, सॉरी रोमन रेंज को जो मारा है ब्रॉक लेसनर ने। सुप्लेक्स सिटी, ये चीज़ भी थोड़ा अपडेट किया गया है। मतलब यहाँ पर जो और यहाँ पिनफॉल तो भाई रिलीज करना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, बाकी चीज़ जो है वो सेम ही है कुछ कंट्रोल। और यहाँ पर सुपरस्टार जो थक चुके हैं ऑलरेडी, पहला फॉल तो ब्रॉक लेसनर के पास है और फिलहाल तो ये चीज़ भी अपडेट हुआ है जो कि 2K22 में मिस था। एंड आई रियली लव इट कि सुपरस्टार एस्केप करके या फिर रिंग साइड पर कॉर्नर पे जाते हैं। आ गए भाई यहाँ पर जे उसो या जिमी उसो डिस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पर भाई जे उसो आ चुका है यहाँ पर ब्लड लाइन, लेकिन रोमन रेंस खड़े हो चुके हैं यहाँ पर। अगर मेप पिट गया तो फिर यहाँ पर रोमन रेंस को बेनिफिट मिल जाएगा। चलो यहाँ पर मैं रेडी था ऑलरेडी, जेउसो का आना तो बेकार गया लेकिन यहाँ पर मैं जेउसो को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे 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 भाई गायब हो गया भाई, डिसअपीयर भाई। ब्रॉक लेसनर पूरा थक गया है पर स्लो हो गया भाई यहाँ पर, मौका नहीं देना यहाँ पर, मौका देने से तो यहाँ पर मुश्किल है। टेबल निकलते हैं, टेबल टेबल पर भी एफ फाइव देंगे यहाँ पर अंदर। कैरी कर पा रहा है कि नहीं ज़्यादा देर तक। चलो यहाँ पर लगाया भाई, ओ टर्न पोस्ट लगी पोस्ट पर, एक और टेबल निकाल ही लेते हैं। And now with him going for the table, we're just in straight up appetite for destruction territory here. I don't know if they're looking for Flash Hammer भी बचाया लास्ट, लेकर आते ही रोमिन को खूब पीटने आया। रिवर्स कर देना ब्रॉक, रिवर्स हो गया।
disorienting, taking those hits above the shoulders. He deflects it right back. Roman Reigns सब मूव में आ चुके हैं, तो ये लगाएंगे तो टॉप रोप, टॉप टर्न बकल रिवर्स करना होगा। F5 सेकंड फॉल के लिए मौका नहीं मिला यहाँ पर, लेजेंड मोड पर खेल रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर एक और चीज़ भी है, यहाँ पर काफ़ी चीज ऐड हुआ है, देखा है, देखते हैं वो होता है, यानी ट्राई करते हैं। ये एक मिनट, अरे यार करना नहीं पड़ रहा है रोमन, प्ले में कंसंट्रेट करना होगा। अगर ब्रॉक लेसनर को मैं लेकर तो बहुत एक्सपर्ट हो चुका हूँ खेलने में, क्योंकि 2K22 से ही मेरा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर। ये चीज़ जो ऐड किया गया यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का है इन कॉम्बो मोड में, टिमोरो लॉक, जो कि यहाँ पर एक और चीज़ ऐड किया गया है यहाँ पर। यहाँ पर रिवर्स मोड जो था यहाँ पर, ये चीज़ रिंग एस्केप यहाँ पर काफ़ी अच्छा चीज़ दिया गया यहाँ पर। और रोमन रेंस यहाँ पर ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं ब्रॉक लेसनर के वजह से यहाँ पर। चलो व्हाट ए हीज स्लैम बाय रोमन रेंस। यहाँ पर रोमन रेंस का तो बचना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर खुद का ही बैंड बजाने पर तुले हुए थे यार रोमन रेंस। बच गया भाई रोमन, यहाँ पर अनाउंस टेबल पर F5 खाने से बच गए यहाँ पर। ओ माय गॉड, ओ अगेंस्ट स्पीयर लगाना बच गए यहाँ पर। पिन फॉल, ओ माय गॉड, ये सबसे हार्ड चीज़ है। चलो यहाँ पर ज़्यादा था एरिया करके बच गया यहाँ पर, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का हेल्थ जो है अभी काफ़ी बचा हुआ है। और अभी जो है ना F5 ने शोल्डर को उठाने के बाद भी रिवर्स ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 2K23 में, जो कि अच्छा दिया गया अपडेट। और माइनस पॉइंट यही कि यूनिवर्स मोड को इन लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। 2K20 के बाद यहाँ पर एक बार भी इन लोगों ने प्रोमो मोड नहीं दिया है, ऑलमोस्ट 4 साल हो चुका है, आई थिंक 3 साल। अरे यार बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया ब्रॉक लेसनर। इतना आसान नहीं है ब्रॉक रोमन, और रोमन का इंतज़ार करते हैं यहाँ पर। सुपरस्टार लोग यहाँ पर थक चुके हैं भाई, मैच जितना लंबा जाएगा उतना थकते जाएंगे इन लोग। ब्रॉक लेसनर का मूव जो है मुझे याद है, इसीलिए आप लोग मत सोचना कि मैंने 2K23 में पूरा प्रैक्टिस कर रखा है। 2K22 का जो मूव है बस वो, यहाँ पे पिन छोड़ाना मुश्किल है जैसे जैसे मैच लंबा जाएगा। बस एक दो अटेम्प्ट के बाद यहाँ पर पिन समझो तो मैं तो नहीं छुड़ा पाऊँगा। और ये अपडेट है ये F5 एक और कॉल यहाँ पर। रोमन रेंस ये लगाने जा रहा है भाई, लग गया लग गया लग गया, इस बार ब्रॉक खत्म। अब मेरा किक आउट नहीं रिलीज होगा यहाँ पर,
देखो कितने स्पीड भागेगा भाई। अरे रेजिलेंस है मेरे पास, लेकिन अभी रेजिलेंस यूज़ नहीं करना, बिना रेजिलेंस का ही मैच खेलेंगे यहाँ पर। अगेन स्पीयर लगाने जाएंगे रोमन रेंस, एक और स्पीयर। फाइनली टोर्सो एरिया जो है, देखा कितना स्पीड भाग रहा है यहाँ पर। दो फॉल बना लिया रोमन रेंस ने यहाँ पर, और तीन फॉल छुड़ाना बहुत मुश्किल है। रोमन रेंस को एक बार टैप आउट करवाना है यहाँ पर, टैप आउट करवाना है। थक गए भाई रोमन रेंस भी पूरा, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर भी पूरा थक चुके हैं भाई, एकदम स्लो हो गया है यहाँ पर। वार्म अप कर लो भाई रो ब्रॉक। एक मूव है दिखाता हूँ आप लोगों को, जर्मन सुप्लेक्स, टू जर्मन सुप्लेक्स। पिनफॉल देखें यहाँ पर मिलता है कि नहीं पिनफॉल। और जो लोग भाई देख रहे हैं वीडियो को अभी तक, फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रिवर्स बाय रोमन रेंस, अरे भाई फटाफट से। अरे यार इजी पिनफॉल मिला यहाँ पर, पिनफॉल छुड़ा नहीं पाया यहाँ पर, बहुत हार्ड कर दिया गया है यहाँ पर 23 में मिनिमम का। अरे भाई किसका मुंह टूटा, आई थिंक यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का, यस ब्रॉक लेसनर का हेड से यहाँ पर ब्लीडिंग होना शुरू हो गया है यहाँ पर। हीज पंच टू द टोर्सो एरिया ऑफ रोमन रेंस, यहाँ पर स्टीमर लोग लगाते हैं भाई यहाँ पर। ये स्टैंड अप स्टीमर लॉक है यहाँ पर, बहुत ही हार्ड है। और मैं पीसी पे खेल रहा हूँ आपको बता दो तो, ये पीसी गेम है स्टीम से, डिलक्स एडिशन है मेरे पास। डब्ल्यूबी 2K22 का सॉरी 2K23 का डिलक्स एडिशन है मेरे पास। रोमन ने इसको आराम करने का मौका नहीं बना यार। कमान रोमन, नॉक कर रहे हैं यहाँ पर, टॉन्ट आउट यहाँ पर, बहुत ही मार रहे हैं यहाँ पर रोमन को। There is no tribal king, there is beast king. He's really got him in a different zone, you guys. He's got that sledgehammer. I don't know why he's wasting time. Got it. That sledgehammer can cause some serious damage. You better have an aptitude for pain because it just keeps coming. That is a suplex release. ओ भाई रिवर्स कर दिया पर रोमन रेंस। यहाँ पर ये चीज़ जो है यहाँ पर रिंग ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। रिंग एस्केप भाई, कम ऑन पिनफॉल छुड़ा देना है ब्रॉक। अरे यार इतना ज़्यादा अटेम्प्ट था यहाँ पर, फिर भी नहीं छुड़ा पाया। बहुत ही हार्ड है यहाँ पर पिनफॉल छुड़ाना, बहुत ही चीज। यहाँ पर रोमन रेंस का टैटू यहाँ पर बहुत डिटेलिंग किया हुआ है यार। जर्मन सुप्लेक्स यहाँ पर कितना लगा चुका हूँ आप लोग काउंट कर देना, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता देना कितना आप लोग, कितना जर्मन सुप्लेक्स यहाँ पर लगाया है मैंने अभी तक। अरे भाई रिवर्स कर दिया यहाँ पर, Vicious shoulder tackle.
सारा जर्मन सुप्लेक्स आप लोग काउंट करना, यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों का देखूंगा। अगेन ह्यूज जर्मन सुप्लेक्स, और ब्रॉक भी थक चुका है यहाँ पर, रोमन रेंज भी पूरा थक चुका है यहाँ पर। 1 2 3 एक और मिल गया क्या, ट्राई करते हैं। 1 2 3 मिल गया भाई, एक और ट्राई करता है। रेफरी कमान भाई लगातार 3, एक और लेते हैं। रोमन रेंज पूरा खत्म हो चुका है भाई यहाँ पर, जितना मर्जी उतना पिन कर सकते हैं आई थिंक। चलो लगातार यहाँ पर 4 पिन फॉल लिया है मैंने यहाँ पर। आओ स्लैच हैमर पर ही यहाँ पर मार दिया यहाँ पर। 1 2 3 भाई ब्रॉक लेसनर यहाँ पर टोटली, ये ब्रॉक लेसनर जो है ये बहुत डैमेज कर चुका है भाई यहाँ पर रोमन रेंज को। स्टील चेयर पर टेबल, एक और टेबल यहाँ पर, एक और टेबल था ना भाई नीचे है यार। अरे यार वाह, ये कुछ नया मूव था रोमन रेंस का। रोमन रेंस का भी भैया फोड़ना है यहाँ पर, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का माथा फोड़ चुके हैं यहाँ पर भाई। रोमन रेंस का हाल पूरा बेहाल हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि बहुत पिट चुके हैं यहाँ पर ब्रॉक लेसनर से। और ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ पर मैं ब्रॉक लेसनर को लेकर खेलने में बहुत ही एक्सपीरियंस हूँ यहाँ पर। चलो फाइनली रोमन ने उसका भी भेजा थोड़ दिया उन्होंने, वो भी भाई हिट हो चुके हैं यहाँ पर। और यार कैरी नहीं कर पा रहा है ब्रॉक लेसनर, पूरा थक गया। कमॉन, अरे यार कैरी ही नहीं कर पा रहा है भाई यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को, थक गया भाई पूरा सुपरस्टार लोग यहाँ पर। पूरा थक गया भाई ब्रॉक लेसनर यहाँ पर, कैरी नहीं कर पा रहा है यहाँ। पावर लेना पड़ेगा। अरे लगा यार, अरे भाई और रोमन को बाहर फेंकना है यार अनाउंस टेबल पर। जैसे तैसे हुआ भाई ये, जैसे तैसे हुआ ये, टिक्का लगाइए टिक्का। और यहाँ पर स्पीयर के लिए रेडी है रोमन रेंस, न्यू स्पीयर। चलो यहाँ पर रिवर्स तो हो गया यहाँ पर, एक एफ5 लगाते हैं, उसके बाद इसको टेबल पर फेंकते हैं यहाँ पर रोमन रेंस को। And at this point, he's risking permanent injury. He has to be told that discretion is the better part of valor. He's had his bell rung too many times tonight to risk any more danger. अरे यार रोमन को टैप आउट ही करवाएंगे यहाँ पर, टैप आउट करवाएंगे भाई। रेजिलेंस यूज किया रोमन रेंस ने, रेजिलेंस यूज किया यहाँ पर, और किमरो लोग से बच गए भाई यहाँ पर।
कुछ और पिन करें यहाँ पर रोमन रेंस में मुझे, तो और भी मतलब थोड़ा ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि मिनी गेम में यहाँ पर पिनफॉल अटेम्प्ट से छुड़ाना है उस चीज़ के लिए। अरे भाई पूरा थक गए भाई यहाँ पर रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर, कैरी नहीं कर पा रहा है यहाँ पर भाई ब्रॉक लेसनर। फिर से ट्राई करता हूँ, कैरी कर पाते भी है या नहीं। टेबल पर तो फेंक नहीं है यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को, और यहाँ पर अरे kick to the gut. सात मिनट बचा हुआ है 30 मिनट आयरन मैच का यहाँ पर, और रोमन रेंज जो स्टिल बचे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन इस बार नहीं यहाँ पर देखने ही यहाँ पर ड्रॉप रोमन रेंज को। अरे इस बार रिवर्स कर दिया रोमन रेंज, अरे फायरमैन कैरी यहाँ पर रिवर्स करना भूल गया, लेकिन इंस्टेंट रिकवरी था मेरे पास। कमान फिर से यार रोमन कमान। और आज जो है अभी यहाँ पर भी ग्राफिक को थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाया गया है भाई, रोमन को तो ऐसे इतना आसानी से छोड़ना नहीं है यहाँ पर, F5 देना या कुछ भी दे कर ही यहाँ पर। अरे ये रोमन रेंस सॉरी ब्रॉक लेसनर थक गए इसी चीज़ के लिए, कैरी नहीं कर पा रहे भाई, यहाँ बैक दर्द हो रहा है यहाँ पर। कमॉन रोमन रेंस शो ऑफ कर रहा है भाई, 6 मिनट से भी कम वक्त बचा है यहाँ पर, तो बहुत जल्द यहाँ पर ट्राई करना है आग पर फेंकना है रोमन रेंस को टेबल पर। पिनफॉल गया गया भाई, दोनों बार तो भाई ब्रॉक लेसनर ही तोड़ दिया यहाँ पर। चलो कि मोड़ो पर टेप आउट 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 टेप आउट
एक चीज ट्राई करते हैं। भाई एक ऑप्शन था यहाँ पर, अरे गया 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 ब्रॉक लेसनर तीसरे बार खुद गया यहाँ पर, तीसरा बार यहाँ पर। चलो सुपरमैन पंच के लिए रेडी यहाँ पर इस बार, लेकिन ठीक किया गया है लेकिन नॉट अप्लाई। चलो सुपरमैन पंच गो टू सुप्लेक्स सिटी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ यहाँ पर कितना जर्मन सुप्लेक्स लग चुका है यहाँ पर रोमन रेंज को। Submission hold with the kimono lock and भाई बहुत इजीली यहाँ पर हो गया यहाँ पर। again ट्रिपल टैप आउट करवाने का कोशिश यहाँ पर, ट्रिपल टैप आउट यहाँ पर नहीं फेंक पाए तो क्या हुआ भाई, लेकिन यहाँ पर टैप आउट तो करवाएंगे रोमन रेंस को। ट्रिपल टैप आउट आर्म लॉक, अरे 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 कमान 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 नहीं वाह भाई तीसरा बार यहाँ पर, लेकिन डैमेज हो चुका है यहाँ पर रोमन रेंस का। कमान रिंग इन रिवर्स कर दिया रोमन रेंस। एक मिनट से कम वक्त बचा है, ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन मैच को ख़त्म करना है कुछ मिस्टर ली अच्छा चीज में F5 देकर ही ख़त्म करेंगे यहाँ पर। एक और किमोरो यहाँ पर स्टैंडिंग किमोरो लॉक, लास्ट फॉल लेते हैं यहाँ पर और रोमन रेंस को रिंग से बाहर खेलने ब्रॉक लेसनर इज द विनर। ब्रॉक लेसनर इज द विनर। तो काफ़ी मज़ा आया है आयरन मैन मैच में और यहाँ पर इससे मैच गया यहाँ पर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। फर्स्ट मैच था यहाँ पर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का WWE 2K23 में और काफ़ी ब्रूटल मैच था ये। और ये ह्यूज सुपर फ्लैक्स मतलब सुप्लेक्स जर्मन सुप्लेक्स पे भी काफ़ी ह्यूज जर्मन सुप्लेक्स यहाँ पर लगा यहाँ पर और पिट गया भाई यहाँ पर रोमन रेंस तो पिट गया भाई। कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर मैच भी करेंगे यहाँ पर। और चलो यहाँ पर जिस जिसका ख्वाहिश था कि रोमन रेंस को मैं लूँ तो अभी भाई मैं रोमन रेंस को लेने वाला हूँ। और ओपोनेंट ओपोनेंट देखते हैं कोई दूसरा ओपोनेंट यहाँ पर। ये मैच का रेटिंग तो भाई 5 स्टार रह गई ऑलमोस्ट और 1125 रुपये भाई मैंने कमाया है इस मैच में स्टार्स मतलब यहाँ पर जहाँ से हम लोग सुपरस्टार परचेस कर सकते हैं WWE में। तो नेक्स्ट मैच यहाँ पर हम लोग करेंगे रेसलमेनिया ये न्यू वाला रेसलमेनिया जो एरिना है वो काफ़ी बकवास लगता है मुझे। टेक्सस में जो हुआ था हरदम स्टार ही लगाते हैं उन लोग और इस बार का समर स्लैम का एरिना या फिर पुराना वाला समर स्लैम का एरिना में मैच करेंगे। इस बार का जो समर स्लैम हुआ था करंट उस पर हम लोग मैच करेंगे और इस बार हम लोग लेते हैं यहाँ पर रोमन रेंस को। और
और यहाँ पर लेंगे हम लोग रॉक को, क्योंकि रॉक नहीं आया है रोमन रेंज से फेस करने के लिए, तो भाई पनिशमेंट देना होगा यहाँ पर। और ये मैच 2 out of 3 फॉल्स का रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि कब मेरा पिन हो जाए इजीली उसके लिए भाई बैकअप रखना पड़ेगा। रोप ब्रेक ऑफ कर दिया है, डिस्क्वालिफिकेशन भी ऑफ कर दिया है यहाँ पर, एंट्रेंस रन इन मिड मैच रन इन ऑफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हेल्प करने भाई आ सकते हैं समोन ब्रदर्स टू रोमन रेंस, जो कि मुझे ही हेल्प मिलेगा, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। इसीलिए रॉक एंड ब्रॉक रोमन रेंस फेयर मैच 2012 वाला रॉक को मैंने लिया है विथ रोमन रेंस ट्राइबल चीफ। और यहाँ पर न्यू एरिना है समर स्लैम का, जो कि लेटेस्ट समर स्लैम जो हुआ था यहाँ पर, और वेन्यू भी स्टेडियम वाला ही है, बस कटिंग नहीं रखा है यहाँ पर इन लोगों ने। और ठीक ही है, 2 out of 3 फॉल्स मैच। एंट्रेंस यहाँ पर स्किप कर देते हैं, क्योंकि रोमन का एंट्रेंस तो देख चुके हैं, रॉक का एंट्रेंस देखना है। रॉक यहाँ पर न्यू पब्लिश हो रहे हैं यहाँ पर, रॉक का एंट्रेंस मैंने देखा नहीं था भाई, चलो इस मैच के बहाने भाई रॉक का एंट्रेंस भी देख लिया मैंने, जो कि ये अनलॉक्ड सुपरस्टार है आपका शोकेस में रेसलमेनिया 28 का एरिना जो था। और हम लोग जो करंट जो रेसलमेनिया होने वाला है आफ्टर एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू, जो कि बहुत ही नज़दीक है भाई रेसलमेनिया रियल वाला, उसके बाद हम लोग का रेसलमेनिया पेपर व्यू आने वाला है, जो कि अभी लेट है बहुत। तो 25 का हम एलिमिनेशन चेंबर हम लोग करेंगे, और उसके बाद हम लोग का रेसलमेनिया पेपर व्यू आएगा। तो रॉक जो कि यहाँ पर रेसलमेनिया 28 वाला, और इस बार का रेसलमेनिया में हम लोग रेसलमेनिया एरिना काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसलमेनिया एरिना दिया गया है, तो हम लोग वहाँ पर रेसलमेनिया 2 करेंगे अपना वाला शो वाला, तो उसके लिए भी स्टेडियम रहना। अब एलिमिनेशन चेंबर का पेपर व्यू आने वाला है, उसके बाद बहुत ही जल्द 3 एपिसोड के बाद रेसलमेनिया हम लोग करेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है, जो कि हम लोग का यहाँ पर रॉयल रंबल विनर है एपिसोड में द रॉक, तो रॉक यहाँ पर किसी को चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया में, और इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग द ब्रह्मा बुल द रॉक। तो चलो बहुत हो गया एंट्रेंस, और यहाँ पर रॉक को धोते हैं हम लोग, क्योंकि रॉक नहीं आया है रेसलमेनिया में, तो मैंने लिया ट्राइबल चीफ को, और यहाँ लिया है रॉक को ओपोनेंट। अरे भाई रॉक से गुड गया भाई, यहाँ पर रोमन रेंस को यहाँ इस गेम पर फर्स्ट टाइम लेके खेल रहा हूँ, एंड क्यों नहीं आया रॉक, क्यों नहीं आया, बहुत हॉलीवुड हॉलीवुड करेगा यहाँ पर। तो चलो अभी रॉक ही हम लोग हॉलीवुड करवा देते हैं यहाँ पर, हॉलीवुड करेगा तो यहाँ पर भाई WWE भूल जाएगा, लेकिन रॉक भी यहाँ पर कम नहीं है, पीट रहे हैं भाई उसको। रॉक को चलो 3 स्पीयर अगर एक बार लग जाएगा तभी हम लोग पिनफॉल करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ये चैलेंज है, वरना मैच जब तक ये चैलेंज कंप्लीट नहीं होगा तब तक रॉक को मैं पिन नहीं करने वाला हूँ। चलो रोमन रेंस जैसे कि बहुत जल्दी एस्केप कर देते हैं, अरे भाई सुप्लेक्स लगा दिया भाई यहाँ पर रॉक ने, रिंग इन तो करना है, चलो रिंग इन तो किया यहाँ पर रॉक ने, नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है तो यहाँ पर रॉक चेयर भी लाएंगे यहाँ पर, रिंग का बाहर ही फेंक दिया। चलो यहाँ पर रॉक को गेट आउट फ्रॉम द रिंग, रॉक स्टील स्टेप्स भी लाएंगे यहाँ पर। इस बार सुपरस्टार लोग वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में, जो कि 2K22 में नहीं होता था, लास्ट मिनट स्टैंडिंग में भी कुछ यूज नहीं होता था, नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में भी कुछ यूज नहीं होता था, फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच करके देखेंगे एक बार।
कि सुपरस्टार्स बैकस्टेज जाने की कोशिश करते भी हैं या नहीं। कमान रॉक यहाँ पर मेरे पास सुपरमैन पंच को आ चुका है और सुपरमैन पंच को इस्तेमाल करेंगे लोग। I'm sorry to disappoint you, Cole, but it's actually both. There's a reason this match is one of the be-all, end-all ways of addressing a rival. It's designed to test every aspect of your skill set. And if that sounds tough, it's because it is. अरे भाई, किधर देख रहा था रोमन रेंज? और आ गया था क्या? पिनफॉल नहीं होना भाई। अरे मूवेबल किक आउट सिस्टम है यहाँ पर, पिन नहीं गेम में। अरे सबमिशन में रेजिलेंस नहीं करना है, बिना रेजिलेंस के ही मैच करना है। पर हाँ, एट द लास्ट ओवर रॉक को जीतने तो नहीं देना है, लेकिन जब तक मेरा 3 स्पीयर एक साथ में नहीं लगेगा तब तक पिन नहीं करेंगे, ये चैलेंज है मेरा। और नेक्स्ट मैच के लिए आप लोग चैलेंज मेरे दे सकते हो कि क्या स्टिपुलेशन अगर गेम प्ले में रखा जाए तब तक मैं पिन नहीं कर सकता। जैसे तैसे पिन फॉल रिलीज हुआ भाई यहाँ पर, तो एक फॉल मिल के आता यहाँ पर। अरे यार यहाँ पर फिनिशर पहले ही रॉक के पास आ चुका है, एक पीपल सेल को लगाने की कोशिश एंड गया भाई, पहला फॉल मिल जाएगा यहाँ पर। रेजिलेंस इतना जल्दी तो ये मिल गया, चलो पहला फॉल, अभी भी एक फॉल बचा है। रेजिलेंस अब यूज़ करेंगे अगर ज़्यादा वक्त लगता है। याद है 3 स्पीयर के बाद यहाँ पर फॉल मुझे करना है रोमन रेंज, सॉरी रॉक को। अरे भाई रॉक भी यहाँ पर कम नहीं है, यहाँ पर रोमन रेंज को यहाँ पर मारने ही जो रहा है। अरे भाई लगा दिया है रोमन रेंज को, तो बहुत पीट लगा है रॉक यहाँ पर। क्या हो रहा है भाई, रोमन बहुत स्लो है यार, रिंग के अंदर ही बाहर निकल गया। अरे क्या कर रहा है भाई, बहुत ज़्यादा थक गया है रोमन रेंज। अरे भाई रॉक बॉटम भी लग गया, रॉक बॉटम लग गया यहाँ पर। रेजिलेंस यूज करना पड़ गया मुझे, रॉक अगर पिन कर देते हैं तो मैच भाई हार जाऊंगा मैं यहाँ पर। इससे बचने के लिए भी मुझे, अरे अरे यार रॉक जीत गया, रीमैच। सिस्टम है यार, पिकआउट होते ही नहीं, रीमैच। इतना जल्दी रॉक जा नहीं सकते यहाँ पर, पनिशमेंट देना था। 3 फिनिशर तो लगा के ही वीडियो को खत्म करना होता, चाहे जीतू या फिर हारू। Pretty sure they don't want to be taking any more blows. And that was a precisely measured attack. Talk about intimidation. I'm not sure if it's resilience or stupidity that's going to drive you to try and come back from a move like that. Sit up, powerbomb. That was a powerbomb with one message in mind. अरे भाई ये चीज भी अपडेट हुआ है रिंग में उतर के भाई, पहले नहीं तो 2K23 में नहीं, 2K22 में नहीं था ये सब। ओह माय गॉड,
अरे रॉक कमान, अरे बच्चे को, बच्चे का जान लेगा यार और अभी तक जिसने जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक्स नहीं किया है तो भाई फटाफट से लाइक कर दो, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूँ यहाँ पर। तो भाई लाइक नहीं करोगे तो भाई वीडियो बनाने का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो भी आप लोगों के लिए ही आता है यहाँ पर। जिसको 2K23 का अभी तक कस्टम मैच अभी तक बनाना है, कुछ माइंड में है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, और वीडियो जहाँ से देख रहे हो आप लोग जरूर से कमेंट करना कहाँ से आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, और अपना नाम भी कमेंट कर सकते हो यहाँ पर, और क्या मैच चाहिए आप लोगों को, नेक्स्ट कस्टम मैच यहाँ पर आप लोग को क्या चाहिए वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। टू और थ्री फॉल्स मैच है यहाँ पर, मौका ही नहीं दे रहा भाई यहाँ पर रोमन रेंस को रॉक। डीडीटी यार, अरे भाई रॉक, मतलब रॉक का हेल्थ काफी इजी है यार। मौका नहीं दे रहा यहाँ पर रॉक यार मारने के लिए, डाइविंग अटैक यहाँ पर रॉक को इसी स्पीड से मारना है भाई, खड़ा हो जाओ भाई रॉक, काम आसान कर दिया मेरा रॉक। ओके ही इज रीएंटरिंग द रिंग पूरा थक गया भाई यहाँ पर। यार मौका नहीं दे रहा यार रॉक, टियर लगाना ही पड़ेगा यहाँ पर। Rock finally finding a way to slow his opponent's assault down. He got tired of being pushed around and wants to gain the advantage now. Rock escape karne ja rahe hain, I think. Just punishing. Kuch heavy move lagana hoga yahan par. Defiant counter to Reigns. Are yaar, Rock mauka nahi de raha bhai yahan par. एक सुपरमैन पंच भी लगाने नहीं दे रहा यार, यार। अरे यार रॉक कितना रिवर्स कर रहा है यार, यही चीज है ब्रॉक लेसनर में, ब्रॉक लेसनर जो है यहाँ पर पूरा थक गया भाई रोमन रेंस। दो फिनिशर तो आ चुका है, एक और फिनिशर आना बाकी है, तो हम लोग वहाँ पर सुपरमैन पंच लगा कर यहाँ पर खत्म कर सकते हैं मैच। चलो एक फिनिशर, मतलब थ्री फिनिशर ही तो लगाना है ना, चाहे कैसे भी लगाऊं यहाँ पर। पहला स्पीयर, मतलब लगातार थ्री फिनिशर लगाना है हमको, तो उसके लिए भाई यहाँ पर एक और स्पीयर लगाना है यहाँ पर, सेकंड स्पीयर उसके बाद लगाएंगे हम लोग भाई सुपरमैन पंच। कम ऑन कम ऑन,
after that. Come on, one more. अरे रेफरी यार, चलो यहाँ पर सुपरमैन पंच, उसके बाद एक और स्पीयर. लगातार 3 स्पीयर यहाँ पर, 2 स्पीयर, सुपरमैन पंच एंड स्पीयर. पहला फॉल मिलने वाला है एंड लगातार ट्राई करेंगे कि 2 फॉल यहाँ पर और मिल जाए. अरे भाई रॉक किक आउट कर दिया यार, लिवरेज पिन यहाँ पर. रोमन का हेल्थ ऊपर बहुत बचा के रखा हूँ भाई. अरे भाई अरे रिवर्स कर, रिवर्स कर रहा है यार. अरे अगेन काउंटर कर लिया यहाँ पर रॉक ने. सुपरमैन पंच तो आ चुका है यहाँ पर, 3 फिनिशर और जो चैलेंज था वो तो भाई मैंने पूरा कर दिया. तो अब मैं कैसे भी पिन कर सकता हूँ या मैच हार भी जाऊँ तो अभी कुछ ये नहीं है, क्योंकि भाई फिनिशर लगा चुका है मैंने. अरे यार रॉक, दोनों लेजी सुपरस्टार है, कहाँ ब्रॉक जैसा फास्ट सुपरस्टार. अभी तो पिन नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर किकआउट सेक्शन के लिए हेल्थ बहुत ही है, तो यहाँ पर इजीली किकआउट कर सकता हूँ अभी फिलहाल तो. अरे यार पीपल सेल्फ, यहाँ पर 1-1 कहीं ना हो जाए. इस बार 0 पॉइंट पर हारने की कोशिश करूँगा यहाँ पर. अरे यूज़ कर सकता हूँ अभी. अरे भाई रेजिलेंस में पूरा है. अरे एक और लगाने जा रहा है यार, लग गया इस बार तो गया. तो एक कॉल मिलेगी अभी. बहुत तेज भाग रहा था यार, गया. चलो रॉक का ये सिग्नेचर आ चुका है मेरे पास, भाग गया यार. एक और स्पीयर. Damage the body has taken. I would be shocked if this match continues. A decision to continue. ये काफी अच्छा लेकिन किया हुआ है क्योंकि 22 में जो अपडेट है जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर दिया गया है, जो कि क्योंकि 22 में नहीं था. एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग. रिवर्स कर दिया भाई समहाउ यहाँ पर रॉक. पिनफॉल लेकिन कभी भी कर सकता हूँ यहाँ पर, मुझे पिनफॉल विक्ट्री मिल जाएगी आराम से. अरे यार लेकिन स्पीयर से ही मैच को खत्म करेंगे यहाँ पर. रोमन रेंस को मैंने लिया है और रॉक का हाल तो भाई बहुत बुरा कर चुका है मैंने यहाँ पर. व्हाट एन एपिक एल्बो ड्रॉप फ्रॉम द टॉप रोप. अरे रॉक इतना कैसे भाई रिवर्स कर सकता है यार, इतना मार खाने के बाद भी यहाँ पर. अरे गेंद रिवर्स. अरे 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 गेजी हो जाएगा यार. दिया भाई दोनों भाई रॉक. अब मुझे पता है आप लोग बहुत गुस्सा होगे. अरे भाई मुझे एपिक एंडिंग करना था यहाँ पर, बट चलो कोई बात नहीं. यहाँ पर हार तो गया लेकिन
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर बदला लेंगे। उसके लिए रीमैच चाहिए आप लोग को रॉक और रोमन रेंस का, तो भाई कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस का हम लोग आयरन मैन मैच करें यहाँ पर, क्योंकि रॉक को तब और मैं धो सकूँगा। चलो लेकिन ऐसे पिट तो गया ही, और मतलब सडन इम्पैक्ट में यहाँ पर मारने की लकीली यहाँ पर रॉक जीत गए यहाँ पर, बट द मैच हैज बीन ब्यूटीफुल, क्योंकि भाई मैंने बहुत मारा यहाँ पर रॉक को, बट स्टिल यहाँ पर चलो रॉक जीत गए। कोई बात नहीं, वीडियो में मज़ा आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। 30 लाइक्स का एम करता हूँ यहाँ पर, देखता हूँ आप लोग पूरा करते हो या नहीं, बट कोई बात नहीं, आई रियली लाइक इट एंड एन्जॉय इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून टू चैनल।